हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे खरबूजे की दो तरह की रेसिपी, एक खरबूजे का मिल्क शेक और एक खरबूजे का जूस। जो इसका अंदर का पोर्शन होता है हम फेंक देते हैं, उसी से हम इसका शरबत बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया 1 कप दूध, सब्जा के बीज, इसको पहले से भिगो दिया, 2-3 घंटे पहले भिगो दें, और 1 खरबूजा लिया, 1 चम्मच चीनी का लिया है। खरबूजे को हमने काट लिया, दो पार्ट कर लिए इसके, और इसका जो अंदर का पोर्शन है ये बीज और इसका पल्प, इसको हमने निकाल के मिक्सिंग जार में डाल देना है। इसको हम लोग फेंक देते हैं तो इसकी हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बताएंगे आपको। इस तरह से आराम से ये निकल जाता है। अब इसको मिक्सिंग जार में डाल दिया हमने। अब इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाल देनी है और थोड़ा सा हमने दूध डालना है और आइस क्यूब डालेंगे 2-3, और इसको मिक्सी में रुक रुक के चलाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमने रुक रुक के चलाना है इसको। इसको हमने ग्राइंड कर लिया, अब इसको हमने छान लेना है छन्नी में, ताकि इसका बीज और पल्प है वो छन्नी में आ जाए। इस तरह से इसको छान लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से छान लें इसको। इसमें हल्का सा हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें जो भी जूस है वो अच्छे से निकल जाए। इसको मिक्सी को हमने रुक रुक के चलाया ताकि इसके बीज ज़्यादा ना पिसें। अब ये हमारा जूस तैयार है, अब इसको हम सर्व करेंगे। अब हम गिलास लेंगे, उसमें हमने 2 चम्मच सब्जा के बीज डाल देने। इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और 1 आइस क्यूब डाल देंगे। अब डाल देंगे जो हमने खरबूजे का शरबत बना के रखा था। तो लीजिए, हमारा खरबूजे का शरबत पीने के लिए तैयार है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। और जिसको आप फेंक देते हो बीज और उसका पल्प, उसी से हमने बनाया। पी कर देखें, ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो एक रेसिपी हमारी ये होगी, दूसरी रेसिपी हम खरबूजे से बनाना बताएंगे आपको। अब हम खरबूजे से मिल्क शेक बताएंगे आपको किस तरह से बनाया जाता है। इस खरबूजे को काट के इसका हमने छिलका निकाल लेना है और इसके इस तरह से पीस काट लेने। सारे खरबूजे को हम छिलका उतार के पीस काट लें। सारे खरबूजे का हमने छिलका उतार के इसको छोटे छोटे पीस कर लिए। अब हमने मिक्सिंग जार में डाल देना है इसको। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि खरबूजा हमारा ऑलरेडी बहुत मीठा है। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। खरबूजे को हमने पीस लिया, इस तरह से हो गया। अब इसमें हमने थोड़ा सा दूध और डाल देना। दूध हमने बिल्कुल ठंडा लिया है, चिल्ड दूध लें आप। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। अब 2 गिलास लेंगे, उसमें हमने आइस क्यूब डाल देने हैं और इसमें हमने खरबूजे का शेक डाल देना है। ऊपर से थोड़े से बादाम काट के डाल दें गार्निश के लिए। आप काजू बादाम कुछ भी डाल सकते हो। तो लीजिए, हमारा खरबूजे का मिल्क शेक पीने के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करें। तो आज हमने 1 खरबूजे से आपको 2 रेसिपी बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।